सो क्वेश्चन ये है कि क्या पीएसएल की परफॉर्मेंस में आप पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए कि एक तो T20 की सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, और आपको फॉर्म प्लेयर्स खिलाने हैं, और फॉर्म प्लेयर्स जो पीएसएल में थे वो तीन प्लेयर्स निशानदेही हो गई, शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ अली है और हुसैन तलत हैं। क्रिकेट में फुल हाउस के सामने अगर आप चौके छक्के और यॉर्कर्स कर सकते हैं और कैचेस अच्छे ले सकते हैं, इसका मतलब है कि आपका टेम्परमेंट अच्छा है, और पीएसएल ये टेम्परमेंट के हिसाब से हमें एक ग्रेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, क्योंकि बड़ी क्रिकेट में फुल हाउस के सामने अगर आप घबराते नहीं हैं, इसका मतलब है कि आप बड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो पहली वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि T20 में एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश है, इसमें ट्रायल एंड एरर के साथ आप ज़िंदा रह सकते हैं, कई दफ़ा आप हिट, कई दफ़ा मिस, कई प्लेयर्स अच्छे होते हैं, कई प्लेयर्स अच्छे नहीं दिखते, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि T20 एक तरह से लाइसेंस देता है आपको एक्सपेरिमेंट करने का, और यूथ के साथ इसमें एजिलिटी चाहिए, इसमें तवानाई चाहिए, इसमें अच्छी फील्डिंग चाहिए, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स चाहिए, जो कि यूथ प्रोवाइड करता है ये ऑप्शन। सो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये ख़तरा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आप नेशनल T20 की टीम सेलेक्ट करते हैं।